साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपने एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, कनाडा विजिट टू वर्क। पिछले वीडियो में अपन ने बताया था साथियों मैंने कि इंडिया में कनाडा के नाम से कैसे लोगों को लूटा जाता है या उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसके साथ धोखा किया जाता है। इस वीडियो में साथियों अपन बात करेंगे अगर कोई कनाडा जाना चाहता है तो विजिट टू वर्क उनके लिए कितना आसान है। हालांकि लोग बोल देते हैं कि विजिट टू वर्क आसानी से वीज़ा मिल जाता है, इतना आसान नहीं होता। पहली बात तो ये है कि हाई स्किल्ड होना चाहिए, जो ओनर जो जाने वाला जो बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और पढ़ा लिखा होना चाहिए, वरना तो कोई चांसेस नहीं होता। उसके बाद भी अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो उनके बहुत सी प्रक्रियाओं से उनको गुजरना होता है, तब जाके उनका काम वहाँ पे हो पाता है। वो भी 100% गारंटी नहीं होता कि अगर उनका काम हो ही जाएगा। साथियों तो स्टार्टिंग में अपन बात करेंगे साथियों, अगर कोई बंदा जाता है कनाडा तो उनका 6 मंथ का विजिट वीज़ा होता है। साथियों 6 मंथ का विजिट वीज़ा वो वहाँ के जाके ले सकता है। उसके बाद जाने के बाद वो किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देता है तो कंपनी सबसे पहले उसका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद कंपनी वहाँ के लोकल अखबार में उनको ऐड देना होता है कि भाई हमारे जो वहाँ पे जो उनका पद है जिसको अपन बोल सकते हैं कैटेगरी, ये इस कैटेगरी का हमें यहाँ पे बंदा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इंडिया से इसको हायर कर रहे हैं, इंडिया के बंदे को यहाँ पे जॉब दे रहे हैं। यह बात उनको अखबार में ऐड में निकालनी होती है, ठीक है साथियों। उसके बाद भी कंपनी में बहुत सारे उनके इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उसके बाद 3-4 महीने उसके में फिर भी लग जाते हैं, उस सिस्टम में 3-4 महीने लग जाते हैं। इतने में उसका 6 महीने का वीज़ा है वो एकदम कगार पे होता है। तो साथियों वीज़ा वहाँ पे एक सिस्टम ठीक है, वहाँ पे 3 महीने 3 बार यानी 3 मंथ अपन वहाँ पे एक्सटेंड वीज़ा करवा सकते हैं। साथियों जैसे अपना 6 महीना कंप्लीट हो गया, अपना वीज़ा अभी लगा नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, पड़ोस में अमेरिका पड़ता है उनके, तो अमेरिका एक बार बॉर्डर क्रॉस होके वापस वहाँ पे आ सकते हैं। 1 मंथ की आपको एक बार एंट्री और मिल जाती है। उसमें एक ठोस रीज़न देना होता है कि भाई उनको ये नहीं बोलना होता है कि मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर वो हुआ नहीं इसलिए मेरे को 1 मंथ यहाँ पे और रुकना है। ऐसा बोलोगे तो वो आपको एग्जिट नहीं मिल पाएगा, आपको इंडिया फिर वापस आना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो उनसे बेटर है कि आप उनको कोई रीज़न दीजिए कि मैं दोस्तों से नहीं मिल पाया या आपकी कंट्री बहुत अच्छी है, मैं 1 महीने और यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, तो इजीली मिल जाता है। कनाडा वैसे फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ पे आसानी से एक्सटेंड वीज़ा हो जाता है 1 मंथ, ठीक है साथियों। उसके जैसे अपन बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे बॉर्डर पे फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ पे फिंगर होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करो 1-2 घंटे वहाँ पे रुक के वापस आप कनाडा आ सकते हैं। वहाँ पे एग्जिट की मोहर लग जाती है, तो 1 मंथ आपका और मिल जाता है, 1 मंथ आप वहाँ पे रह के अपना जो वीज़ा प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। इसको आप 3 महीने तक 3 बार तक इसको वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, 3 बार, ठीक है साथियों। 3 बार आप आ जा सकते हैं, अगर उसके बाद भी आपका वीज़ा नहीं लग पाया तो आप फिर इंडिया आना आपको पड़ेगा साथियों। तो ये प्रोसेस होने के बाद साथियों अगर आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाता है, आपका अंडर प्रोसेस वर्क परमिट के लिए चला जाता है, तो आपको मैं बता दूं 1000 जो कैनेडियन डॉलर है वो आपकी गवर्नमेंट फीस है वो आपको देनी होगी। उसके बाद एजेंसी फीस लगती है आपकी, फिर एम्प्लॉयर फीस लगती है। ये लगने के बाद आपका वीज़ा वहाँ से 2 साल के लिए आपको इश्यू हो जाता है, वर्क परमिशन लेटर जिसको बोलते हैं। आप 2 साल तक वहाँ पे रह के कोई भी काम कर सकते हो, वो आगे से आगे एक्सटेंड आप चाहो तो उसको करवा सकते हैं साथियों। कई बार लोग बोलते हैं मैं जा रहा हूँ फैमिली को भी साथ में ले जाऊँ, उसके लिए बढ़िया सजेशन ये साथियों आप जाओ, आपका वहाँ पे वीज़ा लग जाता है, जॉब लग जाती है, उसके बाद आपको यहाँ से फैमिली बुलाने में आसानी होगी, उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आराम से उनको आप बुला सकते हैं। और कनाडा में सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिकल और एजुकेशन दोनों फ्री हैं साथियों, ठीक है साथियों। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के, और प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हर रोज़ मैं नए टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो घर बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्वायरी मिलती रहेगी, जिससे आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जय हिंद जय भारत।